आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे चने। ये बनाना बहुत ही आसान है, जैसे बाजारों में मिलते हैं चटपटे चने उसी तरह से ये बनता है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे बनाने की रेसिपी। इसे अफ्तारी में आप जरूर ट्राई कीजिए बनाकर। छोले चने बनाने के लिए मैं ली हूँ काबुली चना। ये 1.5 कप चना मैं भिगाई थी रात भर, अच्छे से फूल चुका है। और ये है 2 छोटे छोटे आलू, मीडियम साइज़ के आलू हैं, इन्हें मैं 4 टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और ये 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक कुकर में हम चने डाल देंगे, फिर उसमें ये हल्दी और नमक, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैं 1.5 गिलास डाल रही हूँ जिसमें मेरे चने अच्छे से डूब जाएं। ये देखिए चने अच्छे से डूबने चाहिए पानी में। उसके बाद मैं इसी पे ये आलू रख दूँगी। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। इतनी सीटी लगाएंगे, अपनी कुकर के हिसाब से आप सीटी लगाइए, जितने में कि अच्छे से गल जाए। जब तक हमारे चने उबल रहे हैं तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, उसके मसाले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ली हूँ मैं एक बड़े साइज़ का प्याज, इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस में कट कर ली हूँ। और एकदम बड़े साइज़ का एक टमाटर, अगर आपके पास छोटे हों तो 2 टमाटर चॉप कर लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे चॉप कर ली हूँ। थोड़ा सा इमली, 2 चम्मच इमली पानी में मैं भिगा ली हूँ। और ये थोड़े से धनिया के पत्ते हैं जिसे बारीक कट कर ली हूँ। 1 टेबल स्पून अखा खड़ा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा और 7 से 8 सूखी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, ये मेरी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम तीखा है। थोड़े से सरसों और थोड़े से कड़ी पत्ता। सबसे पहले हम इन मसालों को भून लेंगे। पहले हम मिर्ची डाल देंगे और इसे चला चला कर हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा धनिया और जीरा भी भून चुका है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। मैं मसालों को मीडियम फ्लेम पे ही भूनी, आप भी मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनिए। मैंने 6 सीटी लगा ली कुकर का और मेरा चना बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है, बहुत आसानी से इस तरह से एकदम टूट जा रहा है। और ये आलू भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। एक पैन गरम करके मैं उसमें 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ और उसमें डाल देंगे अभी सरसों और कड़ी पत्ता। इसे चटक जाने के बाद इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को चला चला कर हाई फ्लेम में रखी हूँ, हाई फ्लेम पर ही हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो चने बॉयल करके रखे थे, पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे टमाटर जो कट किए थे और ये आलू जिसे हमने इस तरह चम्मच से बड़ा बड़ा, एकदम बारीक नहीं ऐसे मोटा मोटा तोड़ लिए हैं। और ये इमली का हम पल्प निकाल के रखे हैं, ये डाल देंगे। और हम डालेंगे ये पाउडर मसाले हैं जो हम बना कर रखे थे। और चने बॉईल करते टाइम तो हमने नमक डाले थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा और नमक डालेंगे। मसालों में नमक नहीं है लेकिन चने में नमक है, नमक एकदम अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप लोग डालिए। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई ही रखे हैं क्योंकि चना भी हमारा बॉयल है, मसाले भी हमारे भुने हुए हैं। और इसमें इस चने की ये खासियत है कि इसमें प्याज और जो टमाटर है वो ऊपर से दिखता है, तो बहुत ही दिखने में भी बहुत टेस्टी दिखता है और खाने में भी बड़ा लजीज होता है। इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा देंगे। हाई फ्लेम पे पकाते हुए हमें 7 मिनट हो चुका है। अब हमारा पानी सूख चुका है, पानी सूखने तक ही पकाएं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया जो चॉप करके रखा हुआ था और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए एकदम सूखा नहीं रहता ये चना, थोड़ा सा ऐसा नरम ऐसा रहता है, ग्रेवी, हल्का सा ग्रेवी टाइप का।
क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी सूख जाता है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे डिस आउट कर रही हूँ। आप लोग इस चने की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अफ्तारी में इंजॉय कीजिए चना चटपटा चाट बनाकर। देखिए बनकर तैयार हो गए मेरे चटपटे चने। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।